सो ही फोक्स, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम खेले जा रहे हैं यार मॉडल मैनेजर सिमुलेटर। यस गाइस, तो यार एक बिल्कुल नई गेम है ये, मतलब मैं पहली बार इसे खेल रहा हूँ। आप देख सकते हो इसका नाम है मॉडल मैनेजर सिमुलेटर। तो बेसिकली इसमें एक होटल टाइप कुछ होता है, मतलब होटल और मोटल में क्या फर्क होता है वो मुझे अच्छे से तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। बाकी यार शायद से मुझे लगता है कि मोटल जो होता है ना वो पहले छोटा होता है, छोटे लेवल से शुरू होता है और उसमें कुछ ऐसे ओपन, थोड़ा ओपन टाइप रहता है। यार मुझे यही पता है, मुझे ये भी नहीं पता ये सही है नहीं, बट जो भी है कि आज हम इसे खेलने वाले हैं। देखते हैं यार, मतलब सिमुलेटर गेम्स में तो यार मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, तो आज देखते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर गेम को शुरू करते हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये देखो यहाँ पर कुछ हमें थोड़ा बहुत व्यू मिला है हमारे मॉडल का। ये देखो यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा नाम लिखा हुआ है, जब ये देखते हैं। तो देखते हैं ये इसके ग्राफिक्स वगैरह भी मुझे देखने की कैसे होंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर बस से हमारी शुरुआत हुआ है, मतलब मेरा जो करेक्टर है वो बस में बैठा है अभी के लिए। और पीछे आगे देख सकते हो यार, ये अलग ही जंगल में चल रही है बस, तो सच में स्केरी हो रहा है यार। ओके, ये देखो यहाँ पर मोटल का साइन जो, या कह सकते हो साइन बोर्ड लगा हुआ है, और यही है क्या? मुझे यही लग रहा है यार, क्योंकि वहां पर भी तो ऐसे दिखाया था, शायद से यही है। यस, ये देखो वहां पर सब कुछ बना हुआ है ना। ओके, अभी यहाँ पर बस रुक चुकी है, अभी मुझे यहाँ पर उतरना है और जल्दी से चलते हैं अपने मॉडल में। ऑलराइट, तो फाइनली यहाँ पर मैं बस से उतर चुका हूँ। ये बस को टाटा बाय बाय बोलते हैं और बढ़िया चल रही थी बस। बाकी यहाँ ये देखो, ये है हमारा मॉडल जिसको की हम मैनेज करने वाले हैं। अब देख सकते हो सामने यहाँ पर काफी सारी चीजें यार। देखो यहाँ पर से मेन एंट्रेंस है इसकी, यहाँ पर कोई बोर्ड वगैरह लगा देते तो बढ़िया रहता। ये क्या है, ये कुछ तो है इमरजेंसी। और ये ओ भाई साहब, लेटर पड़ा है यहाँ पर, हाई ग्रैंड चल। ओके, तो ये अपने ग्रैंड पा का, मतलब पहले मोटल हुआ करता था शायद से, अभी वो मतलब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने हमें एक तरह से ये काम सौंपे कि हमें इस मोटल को रन करना है अच्छे से। और बाकी अभी आपके लिए आप देख सकते हो हमारा करंट टास्क कर रहे कि टर्न ऑन द पावर, बट वो सब यार कुछ बाद में, मतलब मैं बाद में काम ही करूंगा, बट एक बार ही देख तो ले अच्छे से। देखो यहाँ पर गैस स्टेशन भी है, तो मतलब हमें गैस स्टेशन भी मिला है चलाने के लिए, और यहाँ पर भी एक शॉप भी है। ओके, तो यस, मतलब एक चीज तो मुझे पता चल गई कि सिर्फ मॉडल तो हम नहीं चलाएंगे। ये देखो ये हमारा मॉडल, और ये देखो यहाँ पर तीन रूम्स जो है बने हुए और बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं मुझे। यस, यो भाई साहब, ये एरिया मुझे बाथरूम का लग रहा है। ओके, ये थर्ड रूम है और सेम टू, ये कोई भी बना नहीं हुआ है, मतलब मुझे ही साफ करना होगा। और ये देखो यार, ये हमारा ऑफिस है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस। ऑफिस में तो अलग ही गंद, कहीं एंगल से ये ऑफिस लग ही नहीं रहा, बट ये भाई साहब ये क्या है, पहले ही दिन यहाँ पर बॉम्ब लगा दिया किसी ने क्या? एक सेकेंड, ये देखो यार यहाँ पर टाइमर चल रहा है अलग ही, और ये टाइमर भी रिवर्स चल रहा है यार। ये सच में ऐसा लग रहा है कि कोई बॉम्ब वगैरह का टाइमर है, बट यहाँ पर बॉम्ब तो कहाँ ही लगाएंगे और क्यों ही लगाएंगे, बट हाँ ओके यहाँ पर चलते हैं। ये क्या है, ये अपना वेयर हाउस है। ओके, ये देखो यहाँ पर सामान वगैरह पड़ा है, लाइट्स वगैरह पड़ी है यार, तो ये भी हमारे काम आएगा। तो सब कुछ मैंने देख लिया है। तो और ये है शायद से कार पार्किंग एरिया, जो भी हमारे कस्टमर्स आएंगे कि मतलब गाड़ियां भी तो बिल्कुल उनके सामने ही पार्क होनी चाहिए, उनके रूम्स के आगे। तो अभी के लिए यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ से जो है मेन अपना इलेक्ट्रिसिटी एरिया है, तो यहाँ से हम पावर को ऑन कर सकते हैं। और ओके, हंगर, एनर्जी, ओवर स्लीपिंग, शॉप, डर्टीनेस, ओके, तो ये सारी चीजें, तो इन्हें भी, इनका भी मुझे ध्यान रखना होगा। और इसके साथ अभी मुझे क्या करना है, सेटअप योर कंप्यूटर। ओके, हैंग द आउटलेट ऑन द वॉल, यार ये इतना गंद, मुझे लगता है एक सेकेंड। यस, ये देखो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो पहले तो झाड़ू, डस्टबिन, यहाँ पर ये पता नहीं क्या है, ये कुछ सामान वगैरह बेचने के लिए, और ये पेंट करने के लिए, ये जेरी कैन, और ये गाड़ी, ये क्या है पता नहीं, गाड़ी तो अपने पास है नहीं। भाई साहब यार, यहाँ पर शॉटगन भी दे रखी है इन्होंने, पता नहीं इसका क्या काम है, बट हाँ यहाँ पर शॉटगन दे रखी है यार। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा था कि हमें तो सिर्फ ये होटल मैनेजर्स करना है, बट हाँ यार एक बारी ये तुम देखो, पूरा जो अपना ये एरिया है, ये पहाड़ों के बिल्कुल बीच में जंगल भी है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े पेड़ और वहां पर तो इतने बड़े बड़े पहाड़ है, वो देखो तो मस्त है यार व्यू वगैरह। तो यहाँ पर पानी की टंकी भी है जहाँ से पानी की सप्लाई आएगी, तो ये मैं डस्टबिन में डाल सकता हूँ। ओके यस, ये देखो यहाँ पर दरवाजा तो लगाया नहीं, ये सब कुछ लगा रखा है। ओ भाई साहब, ये देख लो यार कितना गंद मचा रखा है, मतलब ये कब से अबैंडन पड़ा था, तो मुझे लगा इसलिए ही हुआ होगा। यहाँ पर कोई रहता तो
फिर ये एप्पल वगैरह कहाँ से, ये जो सिगरेट के डब्बे यहाँ पर पड़े हैं, फुटबॉल पड़ी है, देख रहे हो ना फुटबॉल। ये देखो सोडा कैन, ये भी पड़ा है। ओके ये पता नहीं क्या कुछ पड़ा है यार, ये सब कुछ मुझे जो क्लीन करना है जल्दी से, ताकि एटलीस्ट अपना जो ऑफिस है वो तो पहले थोड़ा सा वहाँ पर ठीक हो, देखने लायक हो, ताकि कोई भी आए हमारा ऑफिस तो एटलीस्ट बढ़िया से हो। तो जल्दी से मैं इसे क्लीन करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यार यहाँ पर जितना भी कूड़ा कबाड़ा था मैंने सारा का सारा जो है क्लीन कर दिया, और ये फ्लोर भी अच्छे से चमक चुका है पूरा का पूरा। यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा दिया। और ये क्या है, ये बेड लग रहा है मुझे, यस बेड ही है शायद से। तो इसे मैं प्लेस, ये शायद से अपना जो है पर्सनल रूम है, तो ये बेड मेरे ही है, तो इसे थोड़ा सा बढ़िया से लगा देता ना मैं यहीं पर ही, क्योंकि मैं भी सोने वाला हूँ। तो यहाँ पर से बढ़िया से, एक सेकंड, ये देखो यहाँ पर से बढ़िया से लग गया साइड में, तो ये काफी बढ़िया। यहाँ पर डोर भी लगाना होगा ताकि थोड़ी सी बहुत प्राइवेसी तो रहे। और यहाँ पर ये जो आउटलेट्स है, ये अभी के लिए मुझे वॉल पर लगाने, क्योंकि अबे फेंकने नहीं है, यहाँ पर वॉल पर लगाने, क्योंकि यहाँ पर मुझे कंप्यूटर जो है ना इसको स्टार्ट करना है, तो इसे लगाते हैं यहाँ पर। इसका प्लग कहाँ पर, ये रहा इसका प्लग, यस तो इसे लगाते हैं यहाँ पर। के पिकअप एंड प्लेसमेंट, ये क्या है, ये बाकी यहाँ पर जितना भी कूड़ा था मैंने यहाँ पर ऐसे बिल्कुल फेंक कर यहाँ पर इसमें डाल दिया, तो ये काफी बढ़िया यार। ओए साहब ये क्या है, ये तो अलग ही स्केरी टाइप हो चुका है। यहाँ पर क्लाउड्स देखो तुम, और जो रात में जंगल में आवाज आती है यार, बिल्कुल वैसी आवाज आनी लग चुकी है। मतलब मुझे नहीं पता यार इतना ज्यादा ऐसे स्केरी हो जाता है ये रात को, बट हाँ देखते हैं, अभी तो अच्छे से रात भी नहीं हुई है, शाम हो चुकी है। बाकी अभी पहले ये करते हैं ना, ये ज्यादा जरूरी काम है। तो के फ्यूल रिजर्व, ओके तो हमारा जो गैस स्टेशन है उसमें कितना फ्यूल है वो यहाँ पर से पता चलेगा। यहाँ पर से अपना मोटल शॉप गैस स्टेशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी मतलब किसी को अगर बंद करना है चालू करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। शॉप की रेटिंग यहाँ पर आएगी और मोटल की पॉपुलैरिटी यहाँ पर आएगी। अभी के लिए बिल्कुल जीरो है क्योंकि अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं। और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ ना, ओके ये ठीक है। बाकी हाँ इसमें बाकी ये तो चेंज वगैरह भी हो जाएगा, बट हाँ यहाँ पर देखते हैं। ओ भाई साहब चिप्स की कॉपी रख रखी है यहाँ पर, टाउस टाउस क्या मतलब जो भी कह सकते हो। ये देखो यहाँ पर प्रिंगल्स की जगह टिंगल्स रख रखे हैं इन्होंने, सिनेमन रोल्स और ओटमील कुकी, पीनट बटर एंड जेली, डोनट मिक्स, चॉकलेट जंक्स, यार ये सब कुछ मुझे लगता है ये शॉप पर आएगा। यस तो ये तो मॉडल में हम नहीं बेचेंगे, बड़ा सही यार, जो भी हाँ यहाँ पर रहने आएंगे रूम्स लेंगे वो यहाँ पर से ही खाना वगैरह का सामान भी ले सकते हैं। और ये देखो यहाँ पर है ना अच्छे से यहाँ पर रूम में लगाने के लिए बेड, देखो यार तुम कितना ज्यादा बढ़िया। और मेरे पास पैसे $1400 है मेरे पास, तो मतलब कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, बट हाँ एटलीस्ट एक रूम तो मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ इससे इतने पैसों से। बाकी ये सब कुछ यार मैं धीरे धीरे ऐसे देखता रहूंगा, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर देखो, ये धीरे धीरे हम जब यहाँ पर खेलेंगे तो पता चलेगा। और यस यार ये मुझे पहले ही लग रहा है था कि रात को क्या होगा। ये देखो यार कितना ज्यादा स्केरी लग रहा है, बेड तो मैंने लगा रखा है, मुझे लगता है पहले सो ही जाना चाहिए। और यहाँ पर सोने का ऑप्शन, ओके ये कैसा टाइमर है, ओके ये अलग ही टाइमर है, और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर उठ सकता हूँ, तो 24 घंटे तो पूरे होने देते हैं। ओके अभी उठकर देखता हूँ यार, एक तो पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर टाइम वगैरह का, एक बज चुका है शायद से रात के, तो थोड़ा सा और सो लेता हूँ यहाँ पर मैं। ओके फाइनली यहाँ पर शायद से सुबह हो चुकी, यस सुबह के 8:30 बज चुके हैं। और जल्दी से यार अभी काम करने, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी ये ओपन करना है, तो एटलीस्ट एक रूम तो यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि करंट टास्क की फाइंड 2 सीलिंग लैंप्स, तो वो मैंने देखे थे वेयर हाउस में, वेयर हाउस कहाँ पर है, ओके ये रहा। और ये दो लैंप्स लगाने मुझे, और हैंग देम इन रूम 1, यस तो जल्दी से यहाँ पर से लेकर चलते हैं रूम नंबर 1 में। ओके ये अपना रूम नंबर 1, और यहाँ पर लगाना है, ओके F1 टू SS, एक सेकंड पहले इसे लगाता हूँ फिर पढ़ता हूँ मैं। यस ये देखो लग चुका है, इसको ऑन यहाँ से होगा। ओ भाई साहब बढ़िया से लाइट हो चुकी है यार, ये देखो इतना ज्यादा गंद मचा, ये तो ये पहले ये साफ करना होगा। बट एफ से यहाँ पर मैं असेस कर सकता हूँ इन इन्वेंटरी को, ओके तो मैं यहीं से ही ले सकता हूँ फिर। मुझे इतना मुझे लगा कि यहाँ पर इतना ज्यादा दूर पहले जाना होगा वेयर हाउस में, फिर यहाँ पर लेकर आना होगा। ये तो चली ही नहीं, यहाँ पर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या, एक सेकेंड इसे रिस्टार्ट कर देखते हैं। ये देखो अभी चल पड़ी ना, ये रीस्टार्ट करने से हुआ है। ओके जल्दी से पहले मैं रूम जो है क्लीन करता हूँ और फिर यहाँ पर पेंटिंग का काम भी शुरू करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यार यहाँ पर मैंने साफ सफाई तो अच्छे से कर दी यहाँ पर बाथरूम में भी, और ये देखो यहाँ पर मैंने फ्लोरिंग लगाना भी शुरू कर दिया। तो ये अपने वेयर हाउस में पहले से यहाँ पर फ्लोरिंग टाइल्स पड़ी थी तो वही मैंने यहाँ पर लगा दी, बट आए यार ये इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं लग रही, बट अगर मैं और मंगवाऊंगा ना तो वो थोड़ी महंगी आएंगी, तो पहले इसे ही अच्छे से मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ ना। तो ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है यार इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। जल्दी
नर्सरी से पेंट लेकर आता है, तो पेंट मुझे लगता है यहाँ पर व्हाइट पेंट पड़ा है, तो बट मैं सोच रहा था कि ग्रे और व्हाइट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट जो भी अवेलेबल है मैं पहले वो करूंगा। और ये क्या है? छी यार, ये क्या है? ये मुझे लग रहा है बाथरूम की टाइल्स है, बट ये मैं बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा। यहाँ पर $1400 है यार, मैं थोड़ी बहुत टाइल्स मंगवा लूंगा, कुछ नहीं होता, बट ये तो बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा। जल्दी से इसे रखते हैं और मैं निकालता हूँ ये, और इसे लेते हैं पेंट यहाँ पर, और इससे पूरा यहाँ पर, पूरा तो शायद नहीं होगा, ये देखो आधा ही हुआ है, तो और पेंट लेना होगा मुझे। ऐसे ही मुझे पूरा जो यहाँ पर पेंट करना होगा, और मेरे पास व्हाइट पेंट ही है तो पूरे में व्हाइट कर दूंगा यार, बढ़िया से लाइट वगैरह भी हो जाएगी, व्हाइट बढ़िया लगता है। ओके गाइस, तो यार यहाँ पर अभी के लिए रात का टाइम हो चुका है, ये देखो यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा व्हाइट पेंट कम्प्लीट कर दिया, मतलब फ्लोर से लेकर सीलिंग तक सब कुछ कर दिया यहाँ पर व्हाइट व्हाइट, यार मतलब बढ़िया लग रहा है। व्हाइट से ना थोड़ी सी लाइट ऐसे ज्यादा फैलती है तो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, कुछ ऐसे डार्क वगैरह नहीं लगता। बाकी ये देखो बाथरूम में मैंने इस यहाँ पर नीचे नीचे कर दिया, तो ये भी बढ़िया लग रहा है। बाकी अभी मुझे यार यही चीजें क्यों आ रही है बार बार करंट टास्क, क्योंकि ये मैंने कर दिया अच्छे से इसमें, और लेकिन जो बाथरूम की टाइल्स है वो मैंने नहीं लगाई है शायद से इसलिए। तो जल्दी से यहाँ पर चलते हैं, मैं टाइल्स जो है नहीं मंगवाने वाला हूँ, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाला। ओके ये देखते हैं यहाँ पर, ये देखो कुछ ऐसी सी या कुछ ऐसी सी भी ठीक लगेंगी, बट मैं सोच रहा हूँ कि व्हाइट ही लगा देते हैं ना फ्लोर। ओके ये वॉल्स की थी तो मुझे फ्लोर की चाहिए, तो फ्लोर की कुछ ऐसी या ऐसी ठीक है। तो ओके एक बार यार एक तो इतना ज्यादा नहीं देखना, इसमें $10 की है, तो मैं एक डब्बा मंगवा लेता हूँ ना यार, ये भी बढ़िया, यही मंगवा लेता हूँ मैं, और कुछ तो नहीं मंगवाना मुझे। लेकिन हाँ बाद में भी मुझे लेकिन गाइस यार यहाँ पर बाद में भी मुझे जो है बेड वगैरह, ब्लैंकेट और पिलोज ये सब कुछ मंगवाना होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मंगवा लेता हूँ ना तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीन है कि एक सेकेंड, ये देखो कार्ट में यार यहाँ पर डिलीवरी के भी चार्जेस लगते हैं, ये देखो तो $20 रखते शायद से, यस $10 की चीज है $20 लग रहा है। और यहाँ पर वैन भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सामान के हिसाब से, और कैपेसिटी भी, और यहाँ पर स्लो भी कर सकते हैं, मतलब स्लो मीडियम फास्ट, यहाँ पर तीन मोड्स हैं, बट मैं स्लो ही रखूंगा वरना मुझे पता है यहाँ पर फास्ट में। ये देखो भाई साहब $10 की यहाँ पर टाइल्स मंगवाने में यहाँ पर मेरे $40-50 तो ऐसे लग जाएंगे, तो ये तो मैं नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि बाकी की चीजें भी मैं एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेड वगैरह ये देखो बेड, मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बढ़िया लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी देखा था, बट ये बिल्कुल भी नहीं बढ़िया यार, मैं सोच रहा हूँ कि ये मंगवा लेते हैं $58 का, तो दो मंगवा लेता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर बेडशीट तो यार ये व्हाइट ही अच्छी लगेगी, तो मैं व्हाइट मंगवा लेता हूँ, एक नहीं दो है ना, तो गाइजर अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी कार्ट जो है मैंने पूरी भर ली है, मतलब पहले यहाँ पर सिर्फ टाइल्स कहाँ पर गई, अब एक सेकंड जो मेन चीज, यस वो भी है। ऑलराइट गाइस, तो यार अभी के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारी चीजें जो कि मतलब बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जो कि हमारे रूम में चाहिए होंगी, काफी ज्यादा जरूरी है, आप देख सकते हो सभी के सभी, मैं एक एक तो क्या ही बताऊंगा। खर्चा तो यार यहाँ पर काफी ज्यादा हो ही गई है, देखो ऑलमोस्ट $600, बट यार यहाँ पर ये चीजें तो मैंने बिल्कुल बेसिक सिलेक्ट किया है, मतलब कम से कम जो चीपर होती है ना वो वाली सिलेक्ट की है, तो जल्दी से इसे इसमें आ जाएगा ना एक सेकेंड। ओके ये देखो मुझे लगता है वैन जो बिग लेनी पड़ेगी तभी आएगा। ओके भाई इससे भी ज्यादा ट्रक मंगवाना पड़ेगा क्या, $50 लगेंगे इसमें, बे यार नहीं, तो फिर मैं वैन बिग मंगवाऊंगा और कुछ चीजें मैं फिर बाद में मंगवा लूंगी। ये टॉवल वगैरह मैं निकाल देता हूँ अभी के लिए, ये हीटर वगैरह भी। तो गाइस यार अभी के लिए यहाँ पर सीन ही गलत ही हो चुका है यार, ये देखो सिर्फ तीन ही चीजें बची हैं और तब जाकर ये वैन बिग में आया है, मतलब कि मैं सिर्फ तीन ही चीजें जो अच्छे से मंगवा सकता हूँ, क्योंकि यार ये बेड जो बड़े होते हैं शायद से, और ये दो मंगवा रहा हूँ मैं, तो इसलिए यहाँ पर ऑर्डर तो मैं कर देता हूँ, मतलब जो बाकी चीजें ना वो मैं बाद में मंगवा लूंगा यहाँ पर नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट डिलीवरी में। थोड़े पैसे तो ज्यादा लगेंगे, मतलब हर एक डिलीवरी के अलग चार्जेस लगते हैं, बट कोई नहीं यार यहाँ पर अपना जो रूम जो है जल्दी से मुझे कम्प्लीट करना है। तो गाइस फिलहाल आज की इस वीडियो के इतना, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। बाकी अभी के लिए अपना जो मॉडल है वो काफी ज्यादा बढ़िया शुरुआत तो हो चुकी है, मतलब कस्टमर्स अभी आने नहीं लगे हैं, देखो ये रेटिंग तो बिल्कुल ही जीरो है यहाँ पर, इसे फुल करना यार जल्दी से, मैं पूरा ग्राइंड करना है यहाँ पर और अच्छे से इस मॉडल को सक्सेसफुल बनाना है, ताकि बढ़िया से हम पैसे कमा सके। बस आप सपोर्ट बनाए रखना, कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको आज का गेम प्ले वीडियो कैसा लगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो पहला रूम है वो जल्दी यहाँ पर देने वालों, मतलब कस्टमर को यहाँ पर एक तरह से देने वाले हैं, इसके बदले में वो काफी ज्यादा पैसे भी देंगे, वो काफी ज्यादा मजा आएगा, तो देखना मत भूलना। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड।
गुड बाय।